अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच है, और हमारा प्लान था कि हम क्रिकेट मैच भी देखें और मैच देखने के साथ साथ हम बात भी करें। तो प्लान फुल ऑन है, अब होपफुली कि पाकिस्तान जीते। ये हमने मैच से पहले ही ना वो खाना ये थोड़े से वो क्या कहते हैं कमर्शियल्स थोड़ी सी कमर्शियल आते हैं मैच के साथ साथ। अगर हम बनाएंगे तो फिर हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट होगा, तो इसलिए हम फुली फोकस से मैच देखना चाह रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि अभी पहले पहले हम कर दें। टाइम क्या हुआ, 12 बज गए, 1 बजे मैच स्टार्ट है। वो मैंने ज़रा वॉच दिखानी थी ना। हमारा खाना सब कुछ डन हो गया, और वकार भाई माय मास्टर शेफ, इंतहाई आला, वेरी नाइस, टेस्टी, यम्मी। मुझे इस कैमरे का रिजल्ट मोस्टली रात को ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिन को, क्योंकि दिन को आईफोन का ज़्यादा बेटर है इससे। क्या हाँ, खाना स्टार्ट करते हैं फिर। चलो डन। Correctly, what are you going to do? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, we will bat first. Batting. पाकिस्तान का भी मैच बहुत ही नेक्स्ट लेवल जा रहा है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं प्लेयर, और मैं कहता हूँ कि हम फुली एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान ने 6 आउट कर दिए, 76 रन हो गए, और मैं कहता हूँ बेस्ट 16 ओवर शाहीन अफरीदी को दे दिया, और इसके साथ ये बॉल पे ना देखना आउट होने लगा अभी। व्हाट, और इसके साथ ही लास्ट बॉल पे फ्री हिट, ओवरऑल अगर देखा जाए उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, 148 का टारगेट दिया है, और रन रेट बनता है 7.40, जो कि ठीक ठाक स्कोर है। तो अब लेट्स सी कि पाकिस्तान की बैटिंग आती है तो पाकिस्तान की बैटिंग कैसी होती है। होपफुली पाकिस्तानी प्लेयर भी टिक जाएं, हम भी यहाँ सारे अभी तक एक्टिव हैं। पिछले मैच में भी कोई मारा था भाई, वो जो राशिद था ना उससे सारे डर रहे थे, लेकिन मैं कहता हूँ राशिद को शुएब मलिक ने एक ऐसा हैवी छक्का मारा ना, उफ, ये बच गए छक्का मारे। बहुत बहुत हैवी छक्का पड़ा है, सारे सारे एक्टिव हो गए हैं, मैच बड़ा फंसा हुआ है। चार छक्के, और अभी स्टिल एक ओवर रहता था और पाकिस्तान जीत गया, और मैं कहता हूँ बेस्ट मैच था, बहुत बेस्ट था, बहुत शब्दों में लिखा जाएगा, चार छक्के प्रेशर में मारे कैसे, और प्रेशर में, और लगातार पाकिस्तान 3 मैच जीत आ रहा है, हैट्रिक हो गई है। मैंने पहले कहा था ये आसिफ लड़के पे नजर रखना, आसिफ लड़के पे नजर रखना, अगले मैचेस में भी रख लेना। पिछले दोनों मैचेस में आपको एक बहुत जबरदस्त बैटिंग की, फिनिशिंग रोल आपने पूरी आप पूरा अदा कर दिया। सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मैच जीता, और सबको मुबारकबाद पूरे पाकिस्तान को, और विजय भाई एक तरफ की बाउंड्री बड़ी थी और टारगेट किया था इस एंड को, और मैं शुएब भाई से भी बात कर रहा था कि शुएब भाई हम एक ओवर में फिनिश कर देंगे, इस एंड का वेट कर ले, पर वो आउट हो गए, पर मैं कॉन्फिडेंट था कि इस एंड से मैं कर सकता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो किया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
तब तक के लिए खुदा हाफिज, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, पाकिस्तान फिर से जीत गया और उसकी हैट्रिक हुई है। तो नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह जल्दी आएगा, बस ये थोड़ा सा